नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के जीव पाए जाते हैं जिनमें सांपों को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। खासकर इच्छाधारी सांप जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकते हैं और अपनी शक्तियों से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए कितना अटूट होता है, मगर इच्छाधारी नाग नागिन का गुस्सा और कहर उससे भी अधिक होता है। अगर कोई व्यक्ति नाग को मारकर नागिन से जुदा कर दे, तब नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत, फिर उसकी नागिन ने लिया ऐसा बदला कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ अलीगढ़ के छोटे से गांव गोधा में, जहां पर अजय पाल सिंह नाम के एक व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई। फिर उसके साथ जो हुआ उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव शिव के भक्त पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, अलीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोधा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में दोस्तों खेत ही खेत हैं, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। दोस्तों, एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गाँव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुँच गया। 3 दिन से वो जोड़ा उस खेत के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी और उनके मन में डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेत में जाने से डर लगने लगा। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा दोबारा खेत में नजर नहीं आया और फिर से सभी लोग अपने काम में बिना डर के जुट गए। एक बार भरी दोपहर में अजय पाल अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था, वहीं वे नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। अजय पाल फावड़े से खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर अजय पाल बहुत ही डर गया, उसके पसीने छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। अजय पाल ने घबराते हुए बताया कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था और अचानक से एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि अरे देखो, हमारा काम खेती का है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों मर जाना एक मामूली सी बात है, इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य लोग भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ, ये सच है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सभी की बातें सुनकर अजय पाल की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वो एक इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी तो इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे। और वहीं अजय पाल भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वो नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी, उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद वो नागिन उनके गांव में गई और अजय पाल के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर के चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के तो पसीने छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतर कर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर अजय पाल ने पुजारी को अपने साथ घटित सारी घटना बताई, क्योंकि अजय पाल को संदेह था कि शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा
रहा है, तो फिर पुजारी ने अजय पाल को एक मंत्रों का तावीज बना कर दिया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है, आज नहीं तो कल अपने मरे हुए नाग का बदला तो जरूर ही लेगी, पर ये तावीज उसे तुम्हारे पास पहुँचने नहीं देगा। दोस्तों, अजय पाल की उम्र आज 70 साल की है लेकिन वो उस तावीज को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वो आज तक उस नागिन से सुरक्षित भी हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस की अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे नई वीडियो में नई घटना के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।